झारखंड के कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई है। उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है, जो कि मौजूदा सीएम चंपई सोरेन के लिए बड़ी राहत की बात है। दरअसल जेएमएम के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को नए सीएम के तौर पर शपथ ली थी और उसके अलावा कांग्रेस के आलमगीर, इसके अलावा आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। अब शपथ ग्रहण के बाद 5 फरवरी को विधानसभा में अपना फ्लोर टेस्ट देना है, जिसमें विधायक आएंगे और शपथ ग्रहण से पहले चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन का जो वादा किया था, जो दावा किया था, जो वीडियो जारी किया था, उसका भी मुख टेस्ट होगा। दरअसल बुधवार को गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में ये कहा था और ये याचिका दायर की थी कि विधानसभा में उनका होना जरूरी है। हेमंत ने चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार के विश्वास मत में भाग लेने के लिए याचिका दायर की थी। आपको बता दें, शुक्रवार को 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेजने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने अब उन्हें 1 दिन के लिए विधानसभा जाने का आदेश दे दिया है। सोरेन ने अदालत के सामने एक दलील दी थी कि वो विधानसभा के सदस्य हैं और उन्हें विशेष सत्र में भाग लेने का अधिकार है। याचिका में ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता अर्जी दायर कर इस अदालत से एक आदेश का अनुरोध कर रहा है, ताकि उन्हें झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए 5 फरवरी को 11 बजे सुबह से विश्वास मत की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति दे दी जाए। दरअसल राजीव रंजन, जो कि महाधिवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ईडी ने याचिका की यूं तो कड़ी आपत्ति के साथ विरोध जताया, लेकिन हमने तर्क रखा कि मामला अब उजागर हो चुका है और ईडी का उद्देश्य कोई जांच करना नहीं बल्कि नई सरकार के गठन में बाधा डालना और सरकार को गिराना है। इसीलिए जांच में सहयोग करने वाले हेमंत सोरेन को निष्पक्ष तौर से इस वोटिंग में और इस फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। जांच में हस्तक्षेप हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं तो सदन की कार्रवाई में शामिल होने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार की और उसके बाद आदेश दे दिया। राज्य में गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता ने भी इस दौरान कहा कि हमारे 48 विधायक इस वक्त हैदराबाद में हैं, जबकि कुछ अन्य विधायक यहीं रुके हुए हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि विधायक 2 फ्लाइटों के जरिए हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट ले जाया गया। हैदराबाद में विधायकों को कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी और राज्य के परिवहन मंत्री पूर्णम प्रभाकर ने रिसीव किया और उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 दिन की हिरासत में देने का अनुरोध गुरुवार को किया गया था, लेकिन तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए हेमंत को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और उसके बाद 5 दिनों की हिरासत में रखा गया। हेमंत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ के बाद 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने खुद राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन यानी दूसरे दिन चंपई सोरेन को राज्यपाल ने शपथ दिलाई और अब उन्हें 5 फरवरी को अपना बहुमत साबित करना है, जिसमें हेमंत सोरेन की उपस्थिति अब तय हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।